साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। साथियों यदि आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल दे, यदि आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल दे, तब आपको खुद को आईने में देखने की आवश्यकता है। साथियों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में आगे होड़ में निकलने के लिए युवा पीढ़ी एक से एक स्टंट कर रहे हैं। कोई सांप को लेकर चूम रहा है और कोबरा सांप मुंह में काट ले रहा है। अरे चूमना है तो माँ बाप का पैर चूमो यार, जिन्होंने जन्म दिया। पहले सांप का ज्ञान के लिए किताब पढ़िए, भारत के सांप। इस किताब के मुताबिक सारा चीज बताया गया है। 29 स्टेट का इसमें ज्ञान अर्जित है। लोग समझते हैं कि मुबारक सिर्फ फोकसबाजी में रहता है। देखिए हर स्टेट 29 स्टेट में कौन कौन सांप जहरीला है, कौन नहीं है, इस किताब से ही ज्ञान मिला है। इस तरह ना करें साथियों। और एक वीडियो आया है जिसमें रसल्स वाइपर को, हमें ऐसा लगता है कि जमराज जी पूजा उजा में छुट्टी में चले गए हैं, स्टंटबाजी का चक्कर में। एक युवक, ध्यान से देखिए इस युवक किस तरह रसल वाइपर को गले में ले रहा है, बार बार हाथ से उठा रहा है। पता नहीं, प्रथम दृष्टा वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि सांप स्वस्थ है, जिंदा है, चूंकि मूवमेंट है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सांप कहीं ना कहीं बीमार पड़ गया, इसीलिए युवक को झपटा नहीं। क्योंकि अगर आप हमसे पूछिएगा, अरे बाप रे बाप, रसल वाइपर उसला साक्षात जमराज है, कम से कम 2 फीट दूर से रेडिएशन, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग, वायु तरंग को वो फील कर लेता है और पलक झपकते ही तुरंत डस लेता है। साथियों कुछ बने या ना बने, अरे यार बुढ़ापा में माँ बाप का सहारा बनो यार। क्या सब स्टंटबाजी लगा है कि कोई सांप को किस करना। एक बैकूफ तो आज उसकी डेथ हुई है, महाराष्ट्र का, भारत का सबसे जहरीला सांप को गले में लेकर कहता है कि हम तो ढामन सांप ले लिए। अरे गला में लेना है यार तो बरमाला ले लो यार, बरमाला लेगा तो कम से कम घर में नया बहू आएगा, बोम आएगा, कम से कम बाप माँ खुशी हो जाएगा। इसी ऐसा काम मत करो, मरने वाला स्टंट का चक्कर में मर जाते हैं और माँ बाप को इस बुढ़ापे में इतना बड़ा दुख दे देते हैं, मत कहिए। साथियों कोई भी जहरीला सांप को हाथ से ना छुए। जिंदगी एक रंगमंच है साहब, जिंदगी एक रंगमंच है साहब, किरदार ऐसा निभाओ, रोल ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। कोई भी सांप अगर सही में आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जुनून है कि हम भी सांप छुएंगे पकड़ेंगे, मत छुओ यार, मत पकड़ो सांप को। हम लोग तो सीख गए हैं, अब पता नहीं छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, लोग इतना परेशान कर देते हैं। अगर आपको सचमुच में सांप पकड़ना ही है तो ये टांग ले लो यार, ये कोई भी सांप को बड़ा आसानी से आप पकड़ सकते हैं और जंगल में छोड़ सकते हैं। स्टंट मत करो, स्टंटबाजी में हर 24 घंटा में भारत में कुछ भी नहीं, कसम से मेरा मोबाइल में कम से कम 50 आदमी का डेथ बॉडी आता है, फोटो आता है। सांप के काटने से, आकाशीय बिजली गिरने से किसी भी युवक, कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी का अगर भारत में मृत्यु हो जाता है, डेथ कर जाता है, तो उस बॉडी को पोस्टमार्टम कराएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आधार कार्ड अपना एरिया का वीडियो को दे, गवर्नमेंट मुआवजे के तौर पर कसम से 4 लाख रुपया देगा। अगर आप पोस्टमार्टम ही नहीं कराइएगा तो मुबारक मियां कहां से दिला पाएगा। आप पोस्टमार्टम करके रखिए, हम जहां जहां बताएंगे वहां वहां दीजिएगा, जरूर गवर्नमेंट देगा, सबको देता है, आपको भी देगा। इस तरह स्टंटबाजी मत करो साथियों। बस बेटियों पर दो शब्द बोलना चाहूंगा, मां की परछाई और पिता का ख्वाब हो तुम, मां की परछाई और पिता का ख्वाब हो तुम, कांटों के बीच खिलता हुआ गुलाब हो तुम, तुम सिर्फ बेटी नहीं अपने माँ पिता की जान हो तुम।
चलिए फिर एक वीडियो में मिलेंगे। किताब पढ़िए, शिक्षा से जुड़िए, शिक्षा है तो हर चीज है, और कहीं शिक्षा नहीं है तो आप हमारे नॉलेज में कुछ नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा आपके सामने कुछ नहीं है, आप खाली मिस यूज कीजिएगा, सिर्फ गलत जगह पर जाएगा। शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। कलम को अपना हथियार बना लो, तलवार को नहीं, समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाओ और हमेशा सोच को पॉजिटिव रखो। एक सोच के साथ सुबह उठो कि चलो किसी का अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो बुरा भी ना करें। चलिए, हमारा मुल्क भारत देश जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।